अब बारात की रेट की बात करते हैं कि किस तरीके से 390 करोड़ रुपए मिले एक बारात में जब रेड मारी गई। दरअसल 3 अगस्त की सुबह महाराष्ट्र के जालना में 100 से ज्यादा गाड़ियां नजर आती हैं। सभी गाड़ियों पर अंजलि वेड्स राहुल लिखा होता है। इलाके के लोगों को लगता है कि किसी की बारात आई है, लेकिन जब इन गाड़ियों का काफिला जालना के 2 उद्योगपतियों के घर और फैक्ट्रियों के बाहर रुकता है, तब पता चलता है कि ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड है। और जब रेट खत्म होती है तो मिलता है ऐसा खजाना जिसकी कीमत का अंदाजा लगाते लगाते आयकर विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। देखिए जालना में फिल्मी स्टाइल वाली छापेमारी की इनसाइड स्टोरी। जमीन पर नोट, टेबल पर नोट, महाराष्ट्र के जालना का कैश लोक, 58 करोड़ नकद, 32 किलो सोना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद किया काला खजाना। अंजलि वेड्स राहुल की गाड़ी, 390 करोड़ वाली छापेमारी। ये किसी टकसाल की तस्वीरें नहीं है, ना ही ये किसी बैंक की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तो उस काले खजाने की हैं, जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भंडाफोड़ किया। एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और इतने नोट बरामद किए कि गिनते गिनते अधिकारी भी गश खा गए। पूरा का पूरा कमरा नोटों से भर गया, जमीन से लेकर टेबल तक नोटों का पहाड़ बन गया। और नोटों के इस पहाड़ का आकलन करने में इनकम टैक्स अधिकारियों को 14 घंटे लग गए, वो भी तब जब नोट गिनने के लिए एक दो नहीं बल्कि 12 मशीनें मंगवाई गई थी। वो भी तब जब एक दो नहीं बल्कि 400 अधिकारियों की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा था। हम आपको बताएंगे कि इस कैश लोक का स्वामी कौन है, किसने और कैसे इतनी अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी, और इनकम टैक्स अधिकारी कैसे इस कैश लोक तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने 3 अगस्त को महाराष्ट्र के जालना में छापेमारी की थी। एक उद्योगपति के घर और फैक्ट्री समेत कई जगहों पर 4 दिनों तक ये छापेमारी की गई। तो इस छापेमारी में 58 करोड़ रुपए नकद और 32 किलो सोना बरामद किया गया। आयकर विभाग ने कुल 390 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल आयकर विभाग को जालना की 4 स्टील कंपनियों में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी का प्लान तैयार किया। फैसला किया गया कि इस रेड को पूरी तरह सीक्रेट रखा जाएगा। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे। फिल्मी अंदाज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी को अंजाम दिया। आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर आए। 3 अगस्त की सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 100 से ज्यादा गाड़ियां जालना में दिखाई दी। इन गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर लगे थे और लिखा था दुल्हन हम ले जाएंगे। लोगों को लगा कि ये गाड़ियां किसी शादी के लिए जा रही। हालांकि सावन के महीने में शादी से इलाके के लोगों को हैरानी भी हुई, लेकिन जब तक कोई पूरा मामला समझ पाता, इन गाड़ियों में बैठे सैकड़ों अधिकारियों ने उद्योगपति के घर और फैक्ट्री पर छापेमारी शुरू कर दी। पहले स्टील व्यापारी के घर पर रेड हुई, वहां से MIDC क्षेत्र के स्टील कारखाने तक टीम पहुंची, फिर उस फार्म हाउस तक जहां अलमारी और बिस्तर में करोड़ों रुपए छिपा कर रखे गए थे। यही नहीं, प्लास्टिक की थैलियों में भी नकदी रखी हुई मिली।
नोट गिनने के लिए 12 मशीनें मंगाई गई थी और 13 से 14 घंटे तक नोट गिनने का काम चला। तो आपको बता दें कि ये रेड कालिका स्टील और साई राम स्टील के मालिकान के घरों और उनकी फैक्ट्रियों पर मारी गई थी। साई राम स्टील धातुओं की ढलाई का काम करती है। ये कंपनी साल 1985 में अस्तित्व में आई थी। वहीं कालिका स्टील की बात करें तो ये टिकाऊ और लचीली स्टील का निर्माण करती है। ये महाराष्ट्र में काफी फेमस TMT बार निर्माता कंपनी है। ये कंपनी साल 2003 में अस्तित्व में आई थी। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की और करोड़ों का काला धन बरामद किया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से हुई थी। इसके बाद ममता बैनर्जी कैबिनेट के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। यहां 55 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की गई और अब महाराष्ट्र से 390 करोड़ की संपत्ति मिली। जालना से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।